Hey guys, good morning all, कैसे हैं सभी? तो आज दोस्तों आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे बच्चों ने जो है मुझे मेरा जन्मदिन विश करा। ये रहा, अभी स्कूल से आया, देखिए कैसे लेटा हुआ है, आप देख सकते हैं। अर्नब क्या कहोगे, कुछ कहना चाहोगे पापा के बर्थडे के दिन? कुछ भी, अ सिंगल वर्ड कहता हूँ कुछ भी नहीं। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है पापा का बर्थडे कैसे मनाने वाले हो? कुछ भी, मैं थोड़ी मनाऊंगा आपका बर्थडे। क्यों? आप मनाओगे ना। क्यों, तुम मना नहीं सकता? जब मैं आपका बर्थडे बनाता हूँ तो आप भी तो मेरा बर्थडे बना सकते हो। बताओ क्यों नहीं बनाओगे बर्थडे मेरा? तो भाई देखिए, ये हमें गिफ्ट मिला है, बर्थडे का गिफ्ट मिला है, फोड़ देता हूँ। और वो एक लौता गिफ्ट भी इसने फोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। भाई ये गलत बात है यार, दिस इज नॉट फेयर। ये गिफ्ट थोड़ी था आपका, ये था आगे पढ़ो मता। विहान आज मेरा बर्थडे है यार, कुछ तो बताओ। देखो गाइस, मैं आपको विहान को दिखाता हूँ। विहान कम हियर, जस्ट कम हियर, कम टू मी यार। हमेशा आप ब्लॉग देखते रहते हो, दोनों के दोनों। देखिए गाइस, ये ब्लॉग देख रहे हैं अभी, सौरभ जोशी का ब्लॉग, कभी सौरभ जोशी का, कभी निक्कू का ब्लॉग देखते रहते हैं। बट ये नहीं कि अपना ब्लॉग भी बना लें गाइस। अगर अपना ब्लॉग बनाएंगे तो होपफुली ये कुछ कर पाएंगे लाइफ में, क्योंकि ब्लॉगिंग में भी बहुत अच्छा स्कोप है बच्चों के लिए। अगर अभी से बनाना शुरू करेंगे तो इनको एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आएगी। क्यों भैया अर्नब, सेलिब्रिटी वाली फील आएगी कि नहीं आएगी? तुम्हारे लाखों में, मिलियंस में फॉलोअर होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, तो अच्छा लगता है गाइस, बनाना चाहिए बच्चों को। और मैं तो ये कहता हूँ कि ब्लॉग बना करके एटलीस्ट, चलिए कोई देखे ना देखे, एक मेमोरी तो हमारी जो है सेव हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। हम कभी भी जब बड़े होंगे, जब तुम लोग बड़े हो गए अर्नब, तो तुम बड़े होने के बाद तुम देखोगे कि यार हम छोटे जब हम बच्चे थे तो हम कैसे कैसे क्या क्या काम करते थे। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और जब तुम YouTube पे अपना चैनल खोल के देखोगे तो कम से कम इस लिहाज से बना लिया करो, रोज की रिकॉर्डिंग कर देनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। तुम बताओ, अगर चैनल जुड़ गया तो, चैनल जुड़ गया तो हम कोई ऐसा कंटेंट उस पर नहीं डालेंगे ना, जो चैनल और वीडियो हम अपनी सेव करके रखेंगे ना, एक हार्ड ड्राइव ले लेंगे और सारी वीडियो उसमें भी सेव करके रखेंगे और यूट्यूब पर भी अपलोड किया करेंगे। तो गाइस वैसे बेस्ट आइडिया है कि अगर हम लोग अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके अपने एक यूट्यूब चैनल बना करके और उस पर अपलोड कर दिया करें, तो हम और जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो कभी भी अपनी जो वीडियोस हैं वो इजीली वो देख पाएंगे और देख करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे कि यार देखो हम लोग भी कितनी मस्ती क्या करते थे बचपन में। बेटा बचपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम हैं, हमारा बचपन का हमें, हमारे पास कुछ दो चार फोटोग्राफी होंगे, लेकिन तुम्हारे पास तो पूरा वीडियो का खजाना रहेगा, सोचो ना। बोलो, ठीक चेक करूंगा क्या मैं? जब बड़े हो गए देखोगे, मन नहीं करेगा? अभी जैसे ब्रॉडी था हमारे पास, अब ब्रॉडी बेचा है, आप चुप रहो। बेचा नहीं है, दे दिया था ना। तो अब ब्रॉडी की वीडियो जब तुम देखते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? अरे यार देखो हमारा प्यारा, कितना प्यारा डॉगी था, लेकिन हम उसे लखनऊ छोड़ आए, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो गाइज ये सब चीज़ें मैं अपने बच्चों को बता रहा था, ये नसीहत मैं इन्हें दे रहा था। और देखिए ये दूसरा वाला है, मैं आपको इसको दिखा दूँ। ये देखिए, ये जनाब अपनी उसमें लगे हुए हैं, स्कूल से आने के बाद खाना खाया विहान? क्यों नहीं खाया खाना? हैं, स्कूल से आने के बाद देखिए कैसे जो है मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं जनाब। और ये हमारे बड़े साहबजादे सोफे पे लेट के टीवी का आनंद लेते हुए। माय गॉड यार।